नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हम आए हैं राममूर्ति गोयल जी के पास। राममूर्ति जी फाउंडर हैं गोयल फिनटेक के, और पिछले 6 साल से अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, और करीब 300 से ज्यादा परिवार हैं जिनका मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। राममूर्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विशाल जी। राममूर्ति जी, सिल्वर में अगर मैं बात करूं जी, तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आजकल पहले तो लोग एज ए ज्वेलरी लेते थे, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है जी, क्यों लगता है कि किसी को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब क्या जरूरी है? विशाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी अश्योर यू दैट टुडे द मार्केट्स आर मूविंग वेरी हाई, एंड इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट, दैट इज ऑल्सो नॉट चीप। सो इफ यू हैव टू हेज आवरसेल्व्स against any kind of inflation, if we have to hedge against any kind of a drop in the market or the market going down, I think silver एक बहुत अच्छा opportunity बन जाता है। आज की रेट में अगर हम बात करें तो silver बहुत सारे industrial use में आता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हो या फिर कोई रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जैसे कि photovoltaic cells वगैरह हो, उन सब में silver use होता है, because silver is a very good conductor of electricity, even better than you would be surprised, better than aluminium or copper. So silver का investor use आज की date में बहुत बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि silver की demand बढ़ती जा रही है, हमें लगता है कि market में silver की price भी increase करेगी। ये बहुत अच्छा hedge है, अगर कल को inflation बढ़ता है तो we can hedge that inflation against with the silver. सिल्वर को खरीदने के 2-3 तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली मार्केट में जाके सिल्वर खरीद लें, फिजिकल फॉर्म में सिल्वर खरीद लें, या फिर हम उसका एक ETF खरीद लें। ICICI प्रूडेंशियल ने अभी एक ETF लॉन्च किया है। ETF लेने के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात, मार्केट में अगर हम फिजिकल फॉर्म में सिल्वर लेते हैं तो उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इट इज वेरी वोलेटाइल कमोडिटी। लेकिन अगर हम सिल्वर को ETF फॉर्म में लेते हैं या फिर हम फंड ऑफ फंड के फॉर्म में लेते हैं, तो उस केस के अंदर जो वॉलिटिलिटी है सिल्वर के अंदर वो थोड़ी सी सब्ड्यूड हो जाती है। सेकेंडली, इट इज वेरी इजी टू हैंडल एनी कॉस्ट ऑफ द सिल्वर। अगर हम सिल्वर को देखें तो आज 60,000 रुपए केजी का है, हमें लगता है कि 1 लाख रुपए पर केजी काफी जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम सिल्वर को फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो हम उसे रखने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ETF फॉर्म में लेते हैं या पेपर फॉर्म में लेते हैं तो हम लोगों को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं, जितना चाहें उतना बेच सकते हैं। सो इट बिकम्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल कि हम कितना खरीदें, कितना ना खरीदें, कितना बेचें, कितना अपने पास रखें। सो मेरे को लगता है कि आज के डेट में जो ETF आया है सिल्वर का, ICICI का, गिव्स यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड कैन हेज यू अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क और द वॉलिटिलिटी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।